नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, विषय हिंदी तोरण पांच। हम हिंदी में पुनरावर्तन तीन, यानी कि पेज नंबर है 88, पेज नंबर पर पुनरावर्तन तीन दिया हुआ है। आज हम पुनरावर्तन तीन सीखेंगे। तो यहाँ पे विद्यार्थी मित्रों, पुनरावर्तन तीन में आपके पास बुक हो तो निकालिए, मैं आपको लिखाऊंगी। आप लोगों को अपनी नोटबुक में अच्छी राइटिंग में सुंदर अक्षर में सबको लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न एक में चित्र दिया हुआ है। क्या दिया है? चित्र दिया हुआ है। तो यहाँ पे प्रश्न एक में लिखा है के नीचे दिए गए चित्र के आधार पर पांच वाक्य लिखिए। चित्र के आधार पर पांच वाक्य लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, परीक्षा में भी ऐसा पूछा जाए, आप लोगों को एक ड्राइंग यानी कि एक चित्र दिया हुआ है, चित्रों को देखकर आप लोग पांच वाक्य लिखो। तो चित्र में आपको जो जो दिखाई दे वो सब पांच वाक्य में आप लोगों को लिखना है। तो इस चित्र में हम देखते हैं, सबसे पहले ये चित्र है, देखो इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो इस चित्र में एक पेड़ है, पेड़ के नीचे एक लड़का बैठा हुआ है, लड़के के हाथ में बॉल है और पेड़ के पीछे घर दिखाई दे रहे हैं और कुछ फूल दिखाई दे रहे हैं। इस तरह के वाक्य हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहला वाक्य लिखते हैं कि चित्र में एक पेड़ है। चित्र में एक पेड़ है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? चित्र में एक पेड़ दिखाई दे रहा है, इसीलिए सबसे पहला वाक्य हमने बनाया कि चित्र में एक पेड़ है और पेड़ के नीचे तने के पास एक लड़का बैठा है। दूसरा वाक्य है, दूसरा वाक्य क्या बनाएंगे? पेड़ के नीचे नीचे तने के पास क्या है? पेड़ के नीचे तने के पास क्या है? तो एक लड़का बैठा है। एक लड़का चित्र में एक पेड़ है, पेड़ के नीचे तने के पास एक लड़का बैठा है। उसके बाद लड़के के हाथ में गेंद है, क्या है? लड़के के हाथ में एक गेंद है। लड़के के हाथ में एक गेंद है। उसके बाद लड़के के हाथ में एक गेंद है, तो लड़का बहुत खुश है। चौथा वाक्य क्या बनाएंगे? लड़का बहुत
बहुत खुश हैं। लड़का बहुत खुश है। वह दूसरे लड़कों को बुला रहा है। क्या कर रहा है? वह दूसरों लड़कों को बुला रहा है। वह दूसरे लड़कों को बुला रहा है। उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है? खुला मैदान भी है। खुला मैदान भी है। दूर दूर थोड़े मकान भी दिखाई दे रहे हैं। दूर दूर थोड़े मकान भी दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद है विद्यार्थी मित्रों प्रश्न दो, जो यहाँ पे लिखा है सीखो कविता का स्वर गान कीजिए। तो जो सीखो कविता है 10 नंबर की, वो आप लोग सब घर पे उसका गान करना, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न 3। नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा विशेषण और क्रिया वाले शब्द ढूंढ कर तालिका में लिखिए और वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हम संज्ञा विशेषण क्रिया कौन कौन से शब्द हैं ये डिवाइड यानी कि अलग अलग करेंगे भिन्न भिन्न। संज्ञा विशेषण और क्रिया यहाँ पे 3 है संज्ञा विशेषण क्रिया। तो पुस्तक में दिए हैं शब्द नर्मदा, हिमालय,
चलना, छोटा, खेलना, सफेद, लिखना, गंगा और थोड़ा। तो संज्ञा का शब्द है सबसे पहले नर्मदा, हिमालय और गंगा। नर्मदा, हिमालय, गंगा ये तीनों शब्द संज्ञा हैं। उसके बाद विशेषण है छोटा, सफेद और थोड़ा। विशेषण कौन कौन से हैं? सफेद, थोड़ा और छोटा। उसके बाद क्रिया है चलना, खेलना और कौन सा शब्द है लिखना। तो विद्यार्थी मित्रों, हम चलने की क्रिया कर रहे हैं इसीलिए चलना शब्द क्रिया हुआ। खेलना शब्द है, हम खेल रहे हैं यानी कि खेलने की क्रिया कर रहे हैं, इसीलिए खेलना शब्द किस में आया? क्रिया में। उसके बाद है लिखना, तो आप लोग लिखने की अभी क्रिया कर रहे हो। क्या कर रहे हो? अभी आप लोग लिखने की क्रिया कर रहे हो, इसीलिए लिखना शब्द है वो किस में आएगा? क्रिया में आएगा। उसके बाद विशेषण, कुछ विशेष हैं जैसे कि छोटा है, सफेद रंग है और थोड़ा विशेषता दर्शाई हुई है, इसीलिए छोटा, सफेद और थोड़ा ये तीनों किस में आएंगे? विशेषण में आएंगे। उसके बाद संज्ञा यानी कि जो एक है नर्मदा, हिमालय, गंगा प्रॉपर नदियां हैं, इसीलिए उसमें संज्ञा में आएंगे। उसके बाद जैसे कि इसके वाक्य हम अभी बनाएंगे, तो सबसे पहला शब्द है नर्मदा। तो नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद हिमालय है, हिमालय हमारे देश का क्या है? विद्यार्थी मित्रों, हिमालय हमारे देश का क्या है? बड़ा पर्वत। हिमालय हमारे देश का बड़ा पर्वत है। क्या है? हिमालय पर्वत है। कैसा है? बड़ा, बहुत बड़ा हिमालय पर्वत है। किसी ने देखा होगा, टीवी में देखा होगा, गाय तो कोई नहीं होगा, देखा है ना, सुना होगा। हिमालय सबसे बड़ा पर्वत है हमारे देश का। सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? तो हिमालय। और गंगा नदी हिमालय से निकलती है।
गंगा जो नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो गंगा जो नदी है वो हिमालय पर्वत पर से निकलती है। उसके बाद है तनिष छोटा लड़का है। क्या है? तनिष छोटा लड़का है। उसके बाद सफेद का बनाएंगे तो वह सफेद बबूला है। वह सफेद बगुला है। उसके बाद इस गिलास में थोड़ा पानी है। क्या आएगा? इस गिलास में थोड़ा पानी है। उसके बाद क्रिया है जैसे कि मनीषा चलती है। क्या कर रही है? मनीषा चलने की क्रिया कर रही है, इसीलिए वाक्य बनेगा कि मनीषा चलती है। उसके बाद रोहन खेलता है। रोहन खेलता है। रोहन क्या क्रिया कर रहा है? खेलने की। उसके बाद जैसे कि वर्षा लिखती है। वर्षा लिखती है। उसके बाद आगे है प्रश्न चार। विद्यार्थी मित्रों प्रश्न चार है, उसमें लिखा है निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहला शब्द है शीश झुकाना।
यहाँ पे मुहावरा है शीश झुका ना, यानी कि विनम्र होना। शीश झुकाने का अर्थ है विनम्र होना। तो वाक्य बनाना है, हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए, हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए, हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए। उसके बाद है ऊंचे चढ़ना, ऊंचे चढ़ना यानी कि उसका अर्थ होता है उन्नति करना। उन्नति करना। उसका वाक्य कैसे बनाएंगे? मेहनती लड़के हमेशा ऊंचे चढ़ते ही रहते हैं। मेहनती लड़के हमेशा ऊंचे ही चढ़ते रहते हैं। उसके बाद आगे है नेक रास्ते पर चलना। नेक रास्ते पर चलना यानी कि सही रास्ते पर चलना। नेक रास्ते पर चलना यानी कि सही रास्ते पर चलना। सभी धर्म नेक रास्ते पर चलना, क्या कहते हैं, सभी धर्म नेक रास्ते पर चलने को कहते हैं।
उसके बाद आगे है मुंह में पानी आना। मुंह में पानी आना यानी कि उसका अर्थ क्या होगा? खाने की इच्छा होना। मुंह में पानी आना यानी कि उसका अर्थ क्या होगा? खाने की इच्छा होना। होता है ना, आप लोग यहाँ से निकलते हो पानी पूरी की लारी देखकर क्या होता है, आपको मुंह में पानी आ जाता है ना, कभी खा ले अभी खा ले। जिसको सबसे ज्यादा, जिसकी फेवरेट है उसको तो ऐसा लगता होगा ना, जैसे कि चीज पॉफ है, समोसे है, दाबेली है, वड़ा पाव है, पानी पूरी है, पिज्जा है, पिज्जा देख के मुंह में पानी आ जाता है ना, यानी कि खाने की इच्छा होना। तो यहाँ पे मुंह में पानी आना यानी कि खाने की इच्छा होना। तो आपने विद्यार्थी मित्रों अंगूर और लोमड़ी की कहानी सुनी होगी। अंगूर का पेड़ है और लोमड़ी को अंगूर खाने नहीं मिलते, इसीलिए लोमड़ी क्या कहती है? अंगूर खट्टे हैं। तो लोमड़ी के मुंह में अंगूर देखकर पानी मुंह में पानी आ गया, ऐसा वाक्य हम बना सकते हैं ना? किस तरह वाक्य बना सकते हैं कि अंगूर देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आना। अंगूर देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आना। लोमड़ी के मुंह में पानी आना। तो विद्यार्थी मित्रों इस पुनरावर्तन 3 में हम यहाँ प्रश्न 4 तक रखते हैं, जो बाकी है वो हमारा जब नेक्स्ट पीरियड आएगा तब मैं आपको करवाऊंगी। आज का ये लेक्चर यहाँ पे पूर्ण करती हूँ। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों।